हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब लोग वेलकम टू पिनाकल क्लासेस आई एम योर टीचर निशा जांगड़ा एज़ यू नो हम लोगों ने हमारा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की मैथ्स की बुक सॉल्व करना स्टार्ट कर रखी है जिसके अंदर हमें तीन हज़ार टी सी मिलेंगे और इस वाली बुक के अंदर हमने एक्चुअली टॉपिक्स लगा रखे हैं कौन कौन से इसमें हमारा नंबर सिस्टम का टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है उसके बाद अब हमने सेकंड चैप्टर है जो हमारा एल सी एम एंड एच सी एफ का जो अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बोल सकते हैं क्यों इम्पोर्टेंट टॉपिक बोल सकते हैं क्योंकि टॉपिक ईजी है ठीक है बाकी के कंपैरिजन में हमारा एच सी एफ एंड एल सी एम का टॉपिक इतना हार्ड नहीं बोल सकते इजी टॉपिक है और इजी है प्लस उससे क्वेश्चंस भी आते हैं तो इसलिए ये टॉपिक जो है ये जो हमारा चैप्टर है ये अपने आप में इंपॉर्टेंट बन जाते तो इसके हमने क्वेश्चन लगा लिए थे पचास क्वेश्चन लगा लिए थे एच सी एफ एंड एल सी एम के सबसे पहले नंबर सिस्टम कंप्लीट किया उसके बाद हमने एच सी एफ एंड एल सी एम स्टार्ट किया है एच सी एफ एंड एल सी एम के हमने पचास क्वेश्चन लगा लिए हैं अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन से क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन इसमें हमें क्या दे रखा है दिस दिस एंड दिस ये तीन संख्याएं दे रखी है इनका एच सी एफ हमें एक्स है निकालना क्या है एक्स के अंकों का योगफल ज्ञात करें यानी कि इन तीनों का जो हमारा एच सी एफ आएगा उस एच सी एफ के जो आंसर आएगा ना एच सी एफ का उन सब के अंकों का योग यानि कि सबको हमें जोड़ के फिर आंसर निकालना है कि वो क्या है ठीक है अब देखो यहाँ से क्वेश्चन दो टाइप से पूछ सकता है एक तो पूछ ले अंकों का योग क्या आएगा उसके लिए हमें निकाल के देखना पड़ेगा कि हमारा एक्चुअल में एच है क्या उसके बाद सबको जोड़ के हम आंसर निकालें ठीक है दूसरा ऑप्शन रहता है इसमें दूसरी जो टाइप का क्वेश्चन रहता है उसमें डायरेक्टली पूछ ले कि हमारा एच है क्या ठीक है योग ना पूछ के यानी कि ये डिजिट दे रखिए इसमें हमारा एच क्या निकलेगा तो फिर हम उसको बाय ऑप्शन भी कर सकते हैं और मैथड तो अपना है ही तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखो डिफरेंस मेथड बोलते हैं एच निकालने के लिए जो डिफरेंस मेथड होता है उसमें क्या करते हैं हम लोग आ, दो डिजिट्स का डिफरेंस निकाल लेते हैं दो डिजिट मतलब जैसे हमने इन दोनों का निकाल लिया ठीक है या फिर हमने इन दोनों का निकाल लिया या फिर हम लोग इन दोनों का ऐसे हमें डिजिट्स का डिफरेंस निकालना है डिजिट्स का अंतर निकालना है फिर या तो जो अंतर हमारा आया है जो डिफरेंस आया है वही हमारा आंसर होगा या फिर उसका कोई ना कोई फैक्टर फैक्टर यानी कि जैसे मान लो पंद्रह है तो पंद्रह को मैं पाँच भी लिख सकती हूँ तीन भी लिख सकती हूँ तो कहने का मतलब ये है जब हम दोनों का अंतर निकालते हैं तो जो आंसर आएगा मान लो वो पंद्रह आ, आ गया तो हमारा आंसर पंद्रह भी हो सकता है यानी कि हमारा एच उस क्वेश्चन में पंद्रह भी हो सकता है पाँच भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकता है ठीक है पंद्रह भी आ सकता है पाँच भी आ सकता है तीन भी आ सकता है ठीक है अब पता कैसे करेंगे कि तीनों में से क्या है वो आगे क्वेश्चन में आएगा तब बताऊंगी अभी बेसिकली मेनली मेनली ये समझ लो कि ऐसे हम एच सी एफ निकाल अभी देखो क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है अच्छा ये जो डिफरेंस लेते हैं ना हम लोग तीनों का लेना कंपल्सरी नहीं है नियरबाय जो दो डिजिट होती है ना पास पास की दो डिजिट उनसे मोस्टली uh, क्वेश्चंस का आ ही जाते हैं ठीक है सबका नहीं कह रही मोस्टली क्वेश्चंस का आ जाते हैं दो नियरबाय डिजिट्स लो उनका डिफरेंस निकालो उससे कोशिश करते हैं सेम क्वेश्चन uh, सेम मेथड से इसी क्वेश्चन को ट्राई करते हैं देखो सबसे पहले मैं उतार लूं यहां से इन दोनों का ले, ले लिखती हूं क्या-क्या है 3 4 8 5 और यहां से बचता है 2 0 9 1 ठीक है चार यहां से आता है नो तीन एक हमारा डिफरेंस कितना है वन थ्री नाइन फोर ठीक है अब अगर क्वेश्चन ने ये नहीं बोल रखा होता कि अंकों का योग बताओ बस यही पूछ रखा होता कि एच क्या है तो हम इसको ऑप्शंस में देख लेते ऑप्शन में ये है तो ठीक है नहीं है तो फिर इसका कोई ना कोई फैक्टर हो ठीक है लेकिन उसने तो अंकों का योगफल पूछा है यानी कि हमें एग्जैक्टली exactly निकालना ही पड़ेगा एच है क्या अब देखो हमारा आंसर क्या आया है इसको थोड़ा सीधा लिख देती हूँ ये थोड़ा टेढ़ा हो गया वन थ्री नाइन फोर हमारा आंसर ये आया है वन थ्री नाइन फोर यानी कि मैं इनडायरेक्टली ये कह रही हूं कि जो ऊपर तो की तीन संख्याएं दे रखी हैं तीनों की तीनों संख्याओं के अंदर कॉमन चीज ये है वन थ्री नाइन फोर ठीक है तीनों के अंदर कॉमन चीज क्या है वन थ्री नाइन फोर अब ध्यान से देखना यहां पर मुझे गिवन है पांच ठीक है यहां पर मुझे गिवन है नो यहाँ पे मुझे गिवन है एक ठीक है पाँच नौ और एक तीनों विषम संख्याएं हैं ऑड नंबर्स हैं और ओड नंबर्स हैं तो यहाँ उनमें दो कॉमन थोड़ी आ सकता है दो या चार थोड़ी कॉमन आएगा जो मैंने यहाँ पे यहाँ इवन ले रखा है ना चार तो इसका मतलब ये नहीं है क्या कहना चाह रही हूं मैं हमारा जो एच आया है या तो वो आंसर है या फिर उसका कोई फैक्टर आंसर ठीक है तो ये जो आंसर आया है पता कैसे चलेगा इसका फैक्टर आंसर है या फिर यही आंसर है देखो इसमें हमारे लास्ट में इवन डिजिट है और इनमें से इवन डिजिट कॉमन आ नहीं सकती यहां पे विषम संख्या है ना तो इवन डिजिट तीनों में से कॉमन नहीं आ रही इसलिए इसमें जो भी इवन पार्ट है उसको नेग्लेक्ट कर दो देखो जैसे मैं इसको आ, दो से करा दू दो से भाग करती हूँ तो दो छिके बारह दो में अठारह दो सात चौदह ठीक है ओके okay. मेरा क्या आंसर आता है यहाँ से सिक्स नाइन सेवन ये पूरा उसका डिफरेंस आया था लेकिन मैंने नोटिस किया कि डिफरेंस में तो मेरे इवन है और इनमें से इवन नंबर कॉमन आ नहीं रहा तो इसका इवन नंबर मैंने हटा दिया कैसे हटाया इसको दो से भाग कर दो भाग करने के बाद जो डिजिट आई है ये मेरा आंसर हो सकता है ठीक है तीनों के अंदर से ये चीज़ कॉमन आ सकती है अब निकालना क्या है एक्स के अंकों का योगफल ज्ञात करें अंकों का योगफल निकाल दो छः दोनों बारह और एक तेरह प्लस नौ बाइस ऑप्शन नंबर बी आया समझ ऑप्शन नंबर फिफ्टी वन का ऑप्शन नंबर बी कैसे आया आइए बात समझ एक बात समझने में दिक्कत है बस थोड़ा सा स्टार्टिंग में कि एच सी का तो हमने डिस्कस कर लिया था कैसे निकालते हैं कौन कौन से मेथड है तो वो तो हमारा इजीली सॉल्व हो जाएगा ठीक है बचते हैं आज एक्चुअली आई थिंक एच के क्वेश्चन आज वाली स्लाइड में ज़्यादा हैं तो इसलिए एक बार स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लग रहा है कि एच कैसे निकालते हैं वो समझाने के लिए एक बार समझ आने के बाद फिर अपने आप सोल्व होने लग जाएंगे तो ये इतना लंबा चौड़ा नहीं है कहीं सोचो कि मैम ने तो इतना लंबा बता दिया सीधा इनका डिफरेंस लो डिफरेंस या तो डिफरेंस है वही आंसर है अदरवाइज ये चीज नोटिस करो कि उनमें से किसी का फैक्टर है या नहीं फैक्टर बनाओ और फिर आंसर आ जाए ठीक है नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फिफ्टी टू इसमें हमें क्या दे रखा है संख्या इसमें किस छोटी से छोटी संख्या को जोड़ने पर यह तीन से चार से पांच से और छह से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी देखो इस वाले क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं दो तरीके से कैसे पहला रहता है हम लोग बाय ऑप्शन जा सकते हैं ठीक है दूसरा होता है हम लोग इसको बाय मेथड जा सकते हैं इसको हम ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं और इसको हम मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं पहले ऑप्शन से देखते हैं कैसे करेंगे देखो इसने दे रखा है मुझे वैल्यू क्या है यहाँ उतार लूँ टू फोर एट थ्री टू फोर एट थ्री किस किस से भाग जानी चाहिए मेरी तीन से भी जानी चाहिए चार से भी जानी चाहिए पाँच से भी छ भी मैं इस संख्या के अंदर क्या जोडूं कि मेरा जो आंसर आएगा वो आंसर मेरा तीन से भी भाग जाना चाहिए चार से भी भाग जाना चाहिए पांच से भी से भी, ठीक है? पांच का डिविजिबिलिटी रूल हमने पढ़ रखा है कि मैम यूनिट डिजिट पर या फिर लास्ट में या फिर यूनिट डिजिट पर क्या होना चाहिए हमारे पास या तो जीरो हो या फिर पाँच हो तो देखो यहाँ मेरे पास तीन है तीन से या तो मेरे पास इसमें दो जुड़ जाए यहाँ पे या तो मैं दो जोड़ दूँ तो पाँच बन जाएगा पाँच से भाग हो जाएगा या फिर मैं यहाँ पे सात जोड़ दूँ सात और तीन दस तो यहाँ पे मुझे जीरो मिल जाएगी जीरो मिलते ही पाँच से भाग हो जाएगी ठीक है ऑप्शन चेक करो देखो अगर मान लो मैं यहाँ तीन रखूंगी तो तीन और तीन छः आएगा नहीं जाएगा ऑप्शन बी कैंसिल उसके बाद आता है मेरे पास यहाँ पे जीरो पुट करूँगी तो यहाँ पे यूनिट डिजिट पे मेरे पास तीन ही बच जाएगा जो कि गलत होगा पाँच से भाग नहीं जाएगा ऑप्शन नंबर डी भी नहीं हो सकता इससे नेक्स्ट ट्राई करते हैं हम लोग ओके सात का भी ऑप्शन है और दो का भी ऑप्शन ठीक है सात भी आ सकता है दो भी आ सकता है। अब देखो पांच का यूज कर लिया हमने इसके बाद देखना वो जो हमारी वैल्यू आएगी वो तीन से भी पूरी पूरी भाग जानी चाहिए ठीक है तीन का देखो आ, अच्छा जोड़ रहे हैं ना सॉरी सॉरी तभी मैं सोचू थर्टी सेवन तो तीन से नहीं जा रहा जोड़ रहे हैं हम लोग देखो अभी मान लो मैं इसके से अंदर थर्टी सेवन जोड़ती हूँ मैं इसके अंदर थर्टी सेवन जोड़ूंगी तो ये मेरा कितना बन जाएगा तीन से जा रहा है पाँच चार नौ तीन से जा रहा है ये वाला जाएगा तीन से अगर मैं मान लो यहाँ बाईस जोड़ती हूँ तो कितना जाएगा तीन दो पाँच आठ और दो दस चार और एक पाँच दो पाँच पाँच दस और दो बारह ये भी जा रहे हैं नेक्स्ट देखते हैं हम लोग चार से चार से जाने के लिए क्या होना चाहिए अच्छा ये दो आ गई ये वाली वैल्यू चार से जा रही है ये वाली वैल्यू चार से डिवाइड नहीं हो रही इसका मतलब मेरा ये भी नहीं हो सकता ऑप्शन नंबर सी सी भी नहीं होगा बच गया क्या हमारे पास ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर ए यानी कि हम लोग इस जो डिजिट दे रखे हैं ना मुझे चौबीस आठ तीन इसके अंदर मैं क्या जोड़ूँ मैं थर्टी सेवन इसके अंदर जोड़ूंगी जिससे मेरी ये संख्या तीन से भी चली जाएगी चार से भी पाँच से भी छः से भी ठीक है ये तो था ऑप्शन मेथड ऑप्शन ये इतना लंबा चौड़ा नहीं है वो मैं समझा समझा के बता रहा हूं इसलिए थोड़ा लंबा लग रहा है अगर उसको ध्यान से देखें तो कुछ भी नहीं है सीधा देखो सात और तीन दस आएगा और ये बाईस वाला केस आएगा दो तो ऑप्शन तो वैसे ही कट गए उसके बाद सीधा चार से करके देख लो ठीक है दूसरा हम देखते हैं इसको मेथड से मेथड से सॉल्व करना पड़े तो कहां इसको कैसे करेंगे यहीं पे बता दूं देखो इसने बोला है इसमें किस छोटी से छोटी संख्या को जोड़ना चाहिए कि मेरे पास वो वैल्यू तीन से भी चली जाए चार से भी पांच से भी छह से भी एलसीम ले लूँ यहां पर क्या आ जाएगा दस तीन दूनी छ छाए साठ ठीक है ओके ओके यहाँ से मेरा एलसीएम कितना आता है साठ ठीक है यानी कि जो मेरा आंसर आएगा वो साठ का मल्टीपल आएगा जैसे uh, चाहिए क्या यहाँ पे जैसे साठ है तो साठ की मैं किससे मल्टीप्लाई कराऊँ कि मेरी जो वैल्यू है वो इसके नियर बाय आए टू फोर एट थ्री ठीक है साठ की मैं किससे मल्टीप्लाई कराऊं कि मेरे पास इसके नियर बाय वैल्यू आ जाए यहाँ से मैं निकाल लूँगी एक्स की वैल्यू कि एक्स की मैं जैसे साठ की मैं उससे मल्टीप्लाई कराऊंगी किसी डिजिट से उसके बाद मेरा आंसर आएगा ठीक है आंसर आएगा उस आंसर में से मैं इसको सप्रैक्ट कराऊंगी जब जाके मेरा ये आएगा यहाँ पर थर्टी ठीक है तो इतना लंबा चौड़ा करने से अच्छा हम इसको बाय बाई ही करना इससे बाय ऑप्शन ही ट्राई करते हैं तो ऑप्शन नंबर 52 का राइट रहता है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए 37 नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फिफ्टी थ्री इसमें क्या दे रखा है दो संख्याएं नाइन रेशियो इलेवन के अनुपात में है यदि उनका एच सी एफ तेईस है तो दोनों संख्याओं में कितना अंतर है ठीक है हमने पढ़ रखा है कि एच सी एफ क्या होता है एच सी एफ होता है दोनों संख्याओं के अंदर जो चीज कॉमन है दोनों संख्याओं के अंदर जो चीज कॉमन है जो दोनों के अंदर है उसको बोलते हैं हम लोग एच सी एफ ठीक है हमें वैल्यूज गिवन है नाइन रेशो इलेवन ठीक है यानी कि नाइन के अंदर भी तेईस था और इलेवन के अंदर भी वो तेईस था उन दोनों को कॉमन लेके मैंने उसको एच सी एफ की कैटेगरी में रखी अब निकालना क्या है दोनों संख्याओं में कितना अंतर है अंतर है कितने का दो का और इसकी वैल्यू एच सी एफ दे कितना रखा है तेईस तो वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास चालीस ऑप्शन नंबर ए ठीक है इसके अलावा दूसरा हम देखो इसको ऐसे भी कर सकते हैं पहले मैं तेईस की नो से कराऊंगी ठीक है उसके बाद मैं तेईस की ग्यारह से कराऊंगी तेईस की ग्यारह में से मैं ये वाली वैल्यू इसमें से सब्ट्रैक्ट करूंगी उसके बाद मेरा आंसर आए तो इतना ही लंबी कैलकुलेशन ना हो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए क्या कराते हैं सबसे रेशियो का बता रही हूँ मैं ये रेशो का ही रूल होता है एच में आ रखा है रेशियो तो हर टॉपिक में आएगा आपको हर टॉपिक में मिल जाएगा मोस्टली तो रेशियो को सॉल्व करने के लिए बता रही हूँ जब भी रेशियो में चीज दे रखी हो और उनका योगफल पूछ रखा हो मतलब उनको जोड़ने के बाद क्या आएगा या फिर उनको घटाने के बाद क्या आएगा यानी कि उनका अंतर पूछ रखा हो तो रेशियो की वैल्यूज का ही डिफरेंस लो और एक यूनिट की जो वैल्यू है उसकी मल्टीप्लाई करा दो तो। जैसे मैंने रेशियो का डिफरेंस लिया दो और एक यूनिट की वैल्यू थी इस इसकी सीधी मल्टीप्लाई कर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फोर इसमें क्या दे रखा है हमें एक्स जो है वो चौदह बीस और सत्रह अस्सी के बीच आने वाली वह संख्या है जिसे दस पंद्रह चौबीस और बत्तीस से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल सात प्राप्त होता है एक्स के अंकों का योग कितना है इसमें भी क्या पूछ रखा है हमसे वो वैल्यू नहीं पूछ रखी बल्कि जो वैल्यू आएगी उसके अंकों का योग सम ऑफ द डिजिट्स पूछ रखे अंदर सम ऑफ द नंबर्स क्या आएगा इसमें देखो इसको भी हम आ, ऑप्शन से कर सकते थे अगर योग नहीं पूछ रखा होता तो इसको एक बार मेथड से लेके चल के देखना पड़ेगा एलसीएम निकाल लो इनका कितना आएगा यहाँ से किस किस का देखो दस पंद्रह चौबीस और बत्तीस यही है ना दस पंद्रह चौबीस और बत्तीस पांदूनी दस तीन चौबीस बत्तीस उसके बाद आते हैं दो पे बारह देखो, आ, चार चौक सोलह सोलह पे अस्सी तीन दूनी से चार सौ अस्सी आता है हमारे पास यहां से चार सौ अस्सी चार इन चारों डिजिट्स का मैंने एलसीएम निकाल लिया चार सौ अस्सी अब जो चार सौ अस्सी है वो मेरी इनके बीच तो नहीं आ रही ठीक है तो ऐसी वैल्यू में अड़तालीस का वो फैक्टर निकालूंगी जो मेरा इनके बीच आ जाए दो पे तो नहीं जाएगा ये तीन पे चला जाएगा अड़तालीस तीय आठतीय चौबीस दो चार चारतीय बारह तेरह चौदह ठीक है वन फोर फोर जीरो ठीक है यानी कि चौदह से बीस से लेके सत्रह सौ अस्सी के बीच में आने वाली वो डिजिट जो इन सबसे कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए वो तो है चौदह सौ चालीस ठीक है लेकिन क्वेश्चन की डिमांड क्या है उसे शेषफल भी चाहिए कितना शेषफल चाहिए सात जोड़ दो जितना शेषफल चाहिए बच गई क्या वन फोर फोर सेवन यानी कि ये हमारा एग्जैक्टली exactly आंसर है ठीक है और पूछ क्या रखा है अंकों का योग चार चार आठ सोलह सोलह यानी कि ऑप्शन नंबर <coughs> सी क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फोर का राइट right आंसर रहता है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी सोलह नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पंद्रह मीटर और बारह मीटर भुजाओं वाले कमरे के फर्श को पक्का करने के लिए आवश्यक वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करें न्यूनतम संख्या संख्या मुझे कम से कम कितनी टाइल लगेंगी इस रूम के अंदर कितनी टाइल लगेंगी वो निकाल ठीक है एक्चुअली इस टाइप के क्वेश्चंस में हमारे पास दो कैटेगरी बनती है क्या एक तो पूछ लेगा कि वो बड़ी से बड़ी टाइल क्या होगी जो उस रूम में लगेगी ठीक है बड़ी से बड़ी टाइल क्या होगी और दूसरा पूछ लेता है हमसे कि कम से कम कितनी टाइल्स लगानी पड़ेंगी दोनों क्वेश्चन में फर्क है दोनों क्वेश्चन में फर्क है क्या फर्क है देखो मैं लिख देती हूं यहाँ पे दो कैटेगरी बनेगी क्वेश्चन की जब ये पूछ रखी हो बड़ी वह बड़ी से बड़ी टाइल यानी कि जो बड़ी से बड़ी टाइल उस रूम में लग सकती है उसका डायमेंशन क्या है वो पूछ रखा हो तो हम लोग निकालते हैं एच सी एफ वहां पर ठीक है, है और अगर हमसे पूछ रखा हो नंबर ऑफ टाइल्स यानी कि कितनी टाइल लगेंगी कितनी टाइल लगेंगे टाइल्स की संख्या निकालनी है जैसे मान लो यही रूम है इसमें मैं बोल दू इतने इतने डायमेंशन की टोटल कितनी टाइल्स लगेंगी उस केस में क्या करना है हमें जो भी दो वैल्यू गिवन होंगी जिनका दो का हम एच निकाल रहे हैं मैं लिख देती हूँ फर्स्ट वैल्यू इन टू सेकेंड वैल्यू ठीक है बाय में जो भी हमारा एच आया है उसका स्क्वायर जो भी हमारा एच आया है उसका स्क्वायर ठीक है अब देखो क्वेश्चन ने इन दोनों में से कौन सा पूछ रखा है इसने पूछ रखी है <coughs> कम से कम कितनी संख्या टाइल्स की कम से कम कितनी संख्या न्यूनतम मुझे कम से कम कितनी संख्या चाहिए टाइल्स के लिए सेकंड वाला इस वाले से सॉल्व करेंगे इसको देखो तो रब कर दूं इसमें हमें बोल रखा है पंद्रह मीटर और बारह मीटर की है पंद्रह मीटर और बारह मीटर ठीक है दोनों का एच कितना आ रहा है पंद्रह और बारह का एच क्या आ रहा है दोनों में कॉमन क्या है तीन ठीक है यानी कि हमारा एच कितना आ गया तीन आप देखो इसमें पुट कर दो फर्स्ट वैल्यू बारह सेकेंड वैल्यू पंद्रह एच का स्क्वायर स्क्वायर यानी कि तीन इंटू तीन तीन चौके तीन पाँच पाँच चौके बीस बीस है ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है हमें बीस दोनों में फर्क है क्वेश्चंस में अच्छे से देख लेना समझ लेना गलत हो जाते हैं नहीं तो ठीक है नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सिक्स इसमें क्या दे रखा है ये ये संख्याएं दे रखी है इनका एच सी है एक्स का गुणनफल कितना है ठीक है यानी कि जो हमारा आंसर आएगा वैसे तो क्या बोल रखा था अंकों का योग क्या है लास्ट क्वेश्चन में बोल रखा था ना हमें कि अंकों का योग क्या है उसमें सबको जोड़ रहा था इसमें क्या पूछ रखा है गुणनफल उनके मल्टीप्लीकेशन क्या है उनका प्रोडक्ट क्या है ये पूछ रखा तो कुछ नहीं मेन काम तो हमारा एच निकालने का है उसके बाद तो जो भी पूछना चाहे उसकी मर्जी है देखो डिफरेंस ले लूँ मैं किसका इन दोनों का ले लेती हूँ कितना आता है मेरे पास फोर एट टू नाइन और यहाँ पे है थ्री जीरो सेवन ठीक है सत्रह सौ छप्पन आप देखो सत्रह सौ छप्पन यहाँ पे मेरे पास क्या है इवन डिजिट ये मेरे पास इवन डिजिट है ना छः यानी कि अच्छा वैसे तो तुम आ, हमें पता होता तो ऑप्शन से कि ये है या नहीं इसमें तो गुणनफल पूछ लिया अब हमें क्या पता इसका कौन सा फैक्टर आंसर है मैंने बोला या तो इनका जो डिफरेंस रहता है वो आंसर आएगा या फिर उसका कोई ना कोई फैक्टर आंसर आएगा ठीक है ऑप्शन ही नहीं दे रखे हमें कि ये 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 इनमें से क्या एच है थीके? तो बिना ऑप्शन के हम कैसे बता सकते हैं कि उसका कौन से वाला फैक्टर फैक्टर तो बहुत सारे बनेंगे ना तो कौन से वाला फैक्टर है वो देखो कैसे निकालेंगे यहाँ पे मेरे पास है इवन नंबर यहाँ पे मेरे पास है इवन नंबर और ये क्या है मेरे पास ओड डिजिट ओड में से मैं यहाँ से टू कॉमन नहीं ले सकती तो इस वजह से ये तो नहीं होगा ठीक है सेम यहाँ पे नो है तो यहां से भी इवन तो कॉमन आएगा नहीं कुछ टू तो कॉमन आएगा नहीं तो इस वजह से ये नहीं है ठीक है तो ये किससे जा रहा है चार से भाग कर सकती हूँ मैं इसको ताकि ये इवन डिजिट यहाँ से हट जाए तुम तो बोलोगे मैम टू से क्यों नहीं कर सकते आप टू से कर लो फिर दोबारा फिर से करनी पड़ेगी टू से कर नहीं 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 टू से ही कर सकते हैं सही बात है टू से करेंगे तो ये फिर से ईवन आ जाएगी टू से करेंगे यहाँ पे तो ये फिर से ईवन आएगी उसको फिर से सॉल्व करना पड़ेगा तो सीधा मैं चार से कर रही हूँ चार से जाएगा चार चौक सोलह चार या बारह यानी कि फोर थ्री नाइन ठीक है और देखो कुछ कॉमन आ रहा है सात दून चौदह पंद्रह सोलह फोर थ्री नाइन ठीक है कुछ और कॉमन नहीं आ रहा यहाँ पे नाइन आ गया डिजिट्स भी नहीं है मेरे पास ठीक है यानी कि हमारा जो एच है वो यही हो सकता है अब निकालना क्या है एच का गुणनखंड एच का गुणनखंड यानी कि एच के मेरे जो भी फैक्टर हैं मुझे उनका प्रोडक्ट निकालना है करके देखें आ, कितना आएगा ऐसे चारती बारह बारह निमें एक ऑप्शन नंबर डी ठीक है छप्पन का रहेगा हमारे पास एक सौ आठ ऑप्शन नंबर डी क्या दे रखा था कुछ नहीं किया डिफरेंस लिया डिफरेंस लेने के बाद मेन रहता है हमें डिफरेंस तो कोई भी ले लेगा लेकिन मेन क्वेश्चन स्टार्ट होता है डिफरेंस लेने के बाद कि कौन से वाला फैक्टर है फैक्टर बहुत सारे बनेंगे तो हमेशा वो वाला फैक्टर लेना है जो कॉमन नहीं जो कॉमन है दिनों में ठीक है जैसे मैंने देखा यहाँ पे छह है मैंने देखा यहाँ पे छः है छः कॉमन नहीं आ रहा ठीक है ऊपर से दो कॉमन नहीं आएगा इवन डिजिट कॉमन नहीं आ रही तो इसलिए इसको काटते चलो दो से चार से तीन से काटते चलो जो भी चीज कॉमन नहीं आ रही नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सेवन इसमें हमें क्या दे रखा है आ, सात अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे इतने 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 से विभाजित करने पर हमें इतना इतना इतना, इतना शिष्म ओके सेम दो मेथड है ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं और बाय मेथड भी जा सकते हैं बाय मेथड जाएंगे बहुत टाइम लग जाएगा ठीक है तो पहली प्रेफरेंस रखते हैं हम ऑप्शन से अगर ऑप्शन से नहीं होता कोई क्वेश्चन तो फिर हम उसको करते हैं मेथड से ठीक है तो देखो ऑप्शन से देखते हैं इसको इसने बोल रखा है सात अंकों की सबसे बड़ी संख्या मेरी वो दस से भाग होनी चाहिए पंद्रह बीस चौबीस और तीस देखो ध्यान से सुनना जब भी मैं किसी वैल्यू को दस से डिवाइड कराऊंगी दस से पूरी की पूरी वही वैल्यू डिवाइड होगी दस से पूरी की पूरी वही वैल्यू पूरी पूरी भाग होगी जिसके लास्ट में जीरो होगी ठीक है ऑप्शन नंबर बी पे जीरो दिख रही है यूनिट डिजिट पे? बिल्कुल नहीं दिख रही ऑप्शन नंबर बी कैंसिल सेम ऐसे ही ऑप्शन नंबर डी कैंसिल लास्ट में इनमें छह दे रखा है ना तो छह को जब मैं लास्ट में दस से भाग करूंगी तो आंसर तो पॉइंट में आएगा लेकिन क्वेश्चन ने क्या बोल रखा है पूरी की पूरी भाग जानी चाहिए तो ऑप्शन बी और डी तो कैंसिल अब सिर्फ हमारे पास दो बचते हैं ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी ए और सी में से देखना देखो दस का यूज कर लिया अब देखना पंद्रह यानी कि पांच से भी जानी चाहिए वो वैल्यू तीन से भी जानी चाहिए ठीक है पांच से जाएगी लास्ट में जीरो है तीन से जाएंगी तीन से चेक करें देखो ये तो पूरी तीन से जा रही है ये नौ 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 तक चली जाएगी आठ तीन से नहीं जाएगा तो इस वजह से ऑप्शन नंबर सी भी कैंसिल हो गया बचता क्या है हमारे पास सिर्फ ऑप्शन नंबर ए यानी कि हमें सिर्फ यहां दो डिजिट्स ओके 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 ये भी तो देख रख दे रखा रक, है ना इसने कि शेषफल बचना चाहिए इसको कैसे भूल सकते हैं ओके दोबारा देखते हैं एक बार देखो इसने बोल रखा है कि इतने इतने से भाग करेंगे तो शेषफल भी आएगा वो शेषफल वाला ध्यान नहीं रहा सॉरी अगर मैं उसको दस से भाग कर रही हूँ तो मुझे छ शेषफल चाहिए दस से भाग करूंगी तो छः बचना चाहिए देखो मैं इस वैल्यू को दस से भाग करूंगी मान लो ये ऐसे वैल्यू है फिर पीछे साठ है दस से भाग करूंगी ये पूरा का पूरा चला जाएगा कुछ ना शेषफल कुछ नहीं बचेगा यहाँ पे मेरे पास तो इस वजह से ये नहीं हो सकता ठीक है इसको मैं दस से भाग करूंगी पीछे छः बच सकता है ये वाला हो जाएगा ठीक है इसको दस से भाग करूंगी जीरो है कम्प्लीटली डिविजिबल है दस से ये ऑप्शन नहीं हो सकता इसके अलावा ऑप्शन नंबर डी देखते हैं इसमें पीछे क्या है छः दस से भाग करूंगी छः यहाँ पे बच सकते हैं तो ऑप्शन नंबर बी हो सकता है मेरे पास और ऑप्शन नंबर डी हो सकता है ठीक है दस का यूज करके हमने फिफ्टी फिफ्टी कर लिया यानी कि हमारे पास ऑप्शन नंबर बी भी हो सकता है और ऑप्शन नंबर डी भी हो सकता है इसके अलावा देखते हैं आ इसने बोला है फिर अगर मैं उसको पंद्रह से भाग करती हूँ तो मेरे पास ग्यारह बचना चाहिए अगर मैं उस वैल्यू को पंद्रह से भाग कर रही हूँ तो मेरे पास ग्यारह शेष बचना चाहिए तो बच इसको ये देख ले ग्यारह बचना चाहिए ना पांच और चार ये जा सकता है यहाँ पे यहाँ पे भी वो जा सकता है पैसठ बचेगा देख तो है आ, पंद्रह से नब्बे पंद्रह छिके नब्बे पंद्रह छिके नब्बे पंद्रह छिके नब्बे नहीं हो रहा रहे वाला इससे देखते हैं 15 से देख लें ना बी दी दी भी हो रहा है डी भी हो रहा है ना बी भी नहीं हो रहा डी भी नहीं हो रहा एक बार दोबारा देखते हैं कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी दोनों को चेक करते हैं 10 से तो चेक कर लिया हमने बी और डी में है अब इससे 15 से और देखते हैं कि दोनों में से कौन सा आएगा इसको देखते हैं एक बार बी में देखते हैं देखो इसने 15 6 90 15 6 90 पंद्रह छीके पंद्रह छीके यहाँ पे भी नौ पंद्रह छिके नब्बे और यहाँ पे बचेगा पाँच और छः पंद्रह पाँच पैंतालीस पैंतालीस आता है लास्ट में छप्पन है कितना ऐड कर रखा है मतलब कितना शेषफल बच रहा है इस केस में मेरे पास ग्यारह यही ऑप्शन है लेकिन एक बार फिर भी डी वाला देख लेते हैं क्या पता डी से भी आ रहा हो अगर डी से भी आ रहा है तो फिर बाकियों को देखते देखो पंद्रह से करा दूँ यही पंद्रह छीके नब्बे एक छिके यहाँ पे भी छः से यहाँ से भी छः पे इसके बाद पिचहत्तर पंद्रह पां पिचहत्तर और यहाँ पे बचेगा छिहत्तर यानी कि एक शेषफल आ रहा है लेकिन शेषफल कितना चाहिए जब मैं पंद्रह से करा रही हूं तो मुझे यहाँ पे ग्यारह शेषफल चाहिए ग्यारह मुझे कहा मिलता है ऑप्शन नंबर बी के अंदर तो राइट आंसर क्या रहेगा इसका क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सेवन का राइट आंसर क्या रहता है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी ठीक है मैथड से भी कर सकते हैं बहुत लंबा पड़ेगा पर स्किप कर दो मैथड से देखो क्या करेंगे उसमें सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे सबसे पहले हमें इन सबका एलसीएम लेना पड़ेगा उसके बाद सात अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखो सात अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख ली अब इस संख्या को जो यहां से हमारा एलसीएम आएगा उससे भाग कराओ एलसीएम से भाग करो भाग करने के बाद जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो इसमें से सब्रैक्ट करो यानी कि सात बार नौ में से हम रिमाइंडर बाद यहाँ से जो कॉमन आ रहा है उसको भी करेंगे उसके बाद जाके हमारा आंसर आएगा तो इतना सब ना करने की बजाय हम इसको डायरेक्ट ऑप्शन से करना पहले प्रेफरेंस देते ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फिफ्टी एट इसमें हमें क्या दे रखा है आठ मीटर और दूसरी चौदह मीटर लंबी दो रस्सियाँ समान लंबाई के टुकड़ों में काटा जाता है प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम संभव लंबाई कितनी है यानी कि हर एक टुकड़े की मैक्सिमम लंबाई कितनी करूँ मैक्सिमम मिले अधिकतम मिले ज़्यादा से ज़्यादा मिले इसका मतलब वहाँ पे क्या निकालना है हमें एच ठीक है बताया था ना क्या बताया था ज़्यादा से ज़्यादा एच ज़्यादा हाई हाइएस्ट ठीक है तो हाई हाईएस्ट से हम कंपेयर कर रिलेट कर रहे थे ना कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एच तो हाई निकालने है यानी कि हमें एच निकालना है और दूसरी पहचान मैंने क्या बताई थी कि हमें एच ही निकालना है ऑप्शंस जो हैं वो वैल्यू से छोटे मिलेंगे यहाँ पे आठ है मेरे पास यहाँ पे चौदह है इनसे छोटे ऑप्शन मिलेंगे ठीक है और वैल्यू से बड़े ऑप्शन है तो मतलब वहाँ पे एल निकाल ओके देखो आठ और चौदह में क्या कॉमन है यानी कि आठ और चौदह का एच कितना आएगा मेरे पास दोनों के अंदर क्या कॉमन है दो कॉमन है बस चार नहीं ले सकते ना चार से आठ नहीं जाएगा तो दोनों के अंदर कॉमन चीज क्या है या मैं बोल सकती हूँ दोनों का एच क्या है हमारे पास यहाँ पे चार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टी ओके इसमें क्या दे रखा है यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर बयालीस है उनके एल और एच जो है वो इतना और इतना दे रखा है तो उन दो संख्याओं का योग कितना है उन दोनों संख्याओं को जोड़ के उनको उनका सम करके हमारे पास क्या आंसर है देखो <coughs> दो संख्याओं के बीच का अंतर बयालीस है संख्या मान ली एक्स और बी एक्स एल सी का जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना संख्या मानते हैं तो उनको ए एक्स और बी एक्स ही माना ये वैसे तो हम लोग रैंडमली कोई भी संख्या मानते हैं एक्स कोई भी दूसरी संख्या मान ली वाई लेकिन जब हम एल सी एम एच सी एफ के क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो उन दो डिजिट्स को मानते हैं ए एक्स और बी एक्स क्यों मानते हैं मैंने पहले भी बताया एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ देखो जैसे अभी ये पीछे वाला क्वेश्चन नहीं था आठ था और कितना था उसके अंदर चौदह आठ और चौदह इन दोनों के अंदर क्या कॉमन है मैं इस आठ को लिख दूं दो चौके इसको मैं लिख सकती हूं दो साते तो यानी कि इनके ये तो हो गया मेरे पास ए ये है इसको मैं उल्टा लिख देती हूँ चार और दो ठीक है इसको मैं लिख देती हूँ चार दो इसको मैं लिख देती हूँ सात और दो इत, देखो आठ को चार दो सात को ये अब ये मेरे पास है ए ये है मेरे पास एक्स ये है सात बी और दो को क्या मान रखा है मैंने एक्स तो ये वो दो संख्याएं हैं ए एक्स और बी एक्स एक्स दोनों के अंदर जो चीज़ कॉमन होती है तो इस रीजन से इस चीज की वजह से हम जो एक्सियल्सियम के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसके अंदर वैल्यूज को ए एक्स और बी एक्स मान के करते हैं, तो जल्दी इजी सॉल्व ठीक है अब देखो ए एक्स और बी एक्स दो वैल्यू कैसे मानिए समझ आया क्यों लेके चलते हैं अब देखो एक संख्या है ए एक्स दूसरी है बी एक्स इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है इन दोनों के बीच का अंतर मुझे कितना दे रखा है इसमें बयालीस इसको मैं लिख सकती हूँ a माइनस बी बाहर x यानी कि कॉमन ठीक है और दोनों की कॉमन चीज को ही हम क्या बोलते हैं एच सी एफ बोलते हैं जो हमें वैल्यू कितनी दे रखी है सात पुट कर दूँ यहाँ x की जगह सात रखूंगी सात छिक्के बयालीस ए माइनस बी की वैल्यू कितनी आई है मेरी सात छिक बयालीस आ गई ए माइनस बी की वैल्यू ठीक है इतना हमने यूज़ कर लिया और उनके एलसीएम एलसीएम कितना दे रखा है वन सेवन टू नाइन देखो एल्सियम कैसे निकालते हैं हम लोग किसी भी चीज़ लिख लेती हूँ मैं एक बार कितनी देर रखी है वन सेवन टू ठीक है अब देखो एल्सियम क्या होता है वो दो को प्राइम नंबर को प्राइम नंबर मतलब जैसे हम लोग एल्सियम लेते हैं ठीक है एल्सियम ले रहे हैं हम लोग तो यहाँ पे चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं ये सारी चीजें कॉमन आ मतलब लिख ली हमने फिर लास्ट में यहाँ पे दो संख्या बचती है जैसे मान लो दो और तीन बच गया तो वो दो प्राइम नंबर जिनके बीच में कुछ भी चीज कॉमन नहीं है यानी कि बची हुई चीज़ कॉमन निकालने के बाद बची हुई चीज को क्या बोलते हैं यहाँ पे बची हुई चीज यानी कि उनके आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है वन को छोड़ के उनको बोलते हैं को प्राइम ठीक है तो यहाँ पे जो वैल्यू बचती है उनको बोलेंगे कोप्राइम नंबर छोड़ो क्या को प्राइम होता है हमें नहीं पता एलसीएम क्या है आ, इतना दे रखे हैं तो दो संख्या ये थी ना तो देखो एक बार ए को लिखो एक बार बी को लिखो और एक बार दोनों में जो चीज कॉमन थी ये दो संख्या है ए एक्स और बी एक्स पहले ए को लिखो फिर बी को लिखो और फिर दोनों में जो चीज कॉमन है एक बार लिख ली वैल्यू कितनी आ जाएगी वन सेवन टू नाइन ठीक है एक्स की जगह कितनी लिखूँ कॉमन चीज क्या दे रखी है सात यानी कि ये भी की मैं सीधी यहां सात से निकाल दो पुट करके सात दोनों चौदह चोक अट्ठाईस और ये सातु सातु उनचास यानी कि अब मुझे दो वैल्यू ऐसी सोचनी है जिनको जब मैं मल्टीप्लाई कराऊं जब मैं उनका प्रोडक्ट लूं जब मैं उनकी गुणनफल कराऊं तो मेरे पास टू फोर्टी सेवन आएगा और जब मैं उन दोनों का डिफरेंस कराऊं तो मेरे पास कितना आएगा छः ठीक है ऐसी दो वैल्यू सोचनी है, और दोनों की दोनों वैल्यू को प्राइम होनी चाहिए को प्राइम मतलब उनके आपस में कोई भी चीज कॉमन नहीं होनी चाहिए तो ऐसी सोचें वैल्यू कौन सी आएंगी देखो सा तेरह और इससे ले लूं। उन्नीस नौ तीस सत्ताईस दो नौ दस ग्यारह आगे उन्नीस और तेरह दो वैल्यू ऐसी हैं उन्नीस और तेरह दो वैल्यू ऐसी हैं तो यानी कि मेरे पास ए कितना आ गया चल जा भाई यानी कि मेरे पास ए कितना आ गया तेरह और बी कितना आ गया उन्नीस उल्टा भी मान सकते हैं किसी को ये किसी को भी हमारी मर्जी होती है अब निकालना क्या है मुझे तो उन दोनों संख्याओं का योग कितना है दोनों संख्याओं का योग कितना है नौ तीन और यहां से बत्तीस ओके okay. और इनका कितना दे रखा है एचसीएफ एचसीएफ एफ की भी तो मल्टीप्लाई कराऊंगी ना ये तो मेरा ए माइनस बी की योग निकाल रही लू यानी कि ये मेरी आई है ए प्लस बी की वैल्यू आई है मेरे पास बत्तीस ठीक है निकालना क्या मुझे ए एक्स प्लस बी एक्स की वैल्यू तो एक्स की भी तो मल्टीप्लाई कराऊंगी ना सात दो नौदाह एक सात इक्कीस और एक बाईस टू, टू टू फोर टू टू फोर ऑप्शन नंबर डी ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बी और डी कंफ्यूजिंग है दोनों के दोनों तो डी आएगा ठीक है थोड़ा मैंने आ, डिटेल में समझाया इसलिए थोड़ा इतना बड़ा लगा है अदरवाइज कुछ भी नहीं था क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट वैल्यू लिखो और करो पेपर में ऐसे नहीं करना इतना लंबा चौड़ा पेपर में कैसे करना है देखो ये एक बार और मतलब इसी क्वेश्चन में बता रहे हैं आगे जब भी आएंगे इस टाइप के क्वेश्चन डायरेक्ट ही करेंगे इसमें क्या बोल रखा था दो संख्याओं के बीच का अंतर बयालीस है डायरेक्ट लिख दो ए माइनस बी बयालीस बटे सात छ आएगा ठीक है एलसीएम कितना है वन सेवन टू नाइन एलसीएम ये है ठीक है कितने से काट दूँ सात से कितने पे कटा था टू फोर्टी नाइन था ना यानी कि मेरे पास ए बी की वैल्यू कितनी है टू फोर्टी नाइन दो वैल्यू ऐसे सोचनी है जिनको मल्टीप्लाई करा के टू फोर्टी नाइन आए और जिनको जिनका अंतर मेरे पास छः आए सोच ली हमने कौन कौन सी उन्नीस और तेरह दोनों को जोड़ दो जोड़ने के बाद साथ से मल्टीप्लाई करा दो पेपर में बस इतना करना है इतनी लंबी चौड़ी वो रामायण नहीं लिखने वो जस्ट एक बार समझाने के लिए थी अब आगे इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आएंगे डायरेक्ट करेंगे ऐसे ही कैसे कर रहे हैं ऐसे डायरेक्ट ना समझ आए तो पीछे आके फिर से देख नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर साठ इसमें हमें क्या दे रखा है एक से बड़ी एक ऐसी संख्या है जिसे चार पांच और छह से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल फल तीन प्राप्त होता है 500 से छोटी वह सबसे बड़ी संख्या क्या है क्या शेषफल मिल रहा है मुझे ठीक है अगर मैं बाय ऑप्शन किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ तो जो शेषफल बच रहा है उसको घटा दो अगर हम किसी क्वेश्चन को बाय ऑप्शन सॉल्व कर रहे हैं तो जो शेषफल की वैल्यू बच रही है जो रिमाइंडर की वैल्यू बच रही है उसको उसमें से सब्रैक्ट करा दो देखो यहाँ से कितना बचेगा मेरे पास चार यहां से कितना बचेगा चार सौ नब्बे फोर एट थ्री एंड हेयर इज फोर एट वन ठीक है यानी कि मेरे पास बस ये चार ऑप्शन है मुझे नहीं पता क्या दे रखा है क्या नहीं दे रखा अब क्वेश्चन की डिमांड देखो एक से बड़ी सारी एक से बड़ी है बेफालतू में दे रखा था एक ऐसी संख्या जिसे चार पांच छः से विभाजित करने पर कोई शेषफल ना बचे अब तीन घटा दिया ना तो इसका मतलब क्वेश्चन की लैंग्वेज अब होगी कोई शेषफल नहीं बचना चाहिए ओके तीन, चार पांच और छ ये पांच से जाएगी ये भी पांच से जाएगी क्या ये वैल्यू पांच से जाएगी बिल्कुल नहीं जाएगी मैम क्योंकि पांच के लिए हमें पता है यूनिट डिजिट पे या तो जीरो होना चाहिए या पांच होना चाहिए दोनों ऑप्शन को नेग्लेक्ट कर दो नेक्स्ट आओ पांच का हो गया चार पे ये वैल्यू चार से जाएगी ये वाली वैल्यू हमारी चार से जाएगी बिल्कुल नहीं जाएगी ये वाली वैल्यू चार से जाएगी जाएगी तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर क्या रहता है क्वेश्चन नंबर साठ का ऑप्शन नंबर ए ठीक है ये था हम इसको किससे कर रहे थे बाय ऑप्शन इसी क्वेश्चन को हम किससे कर सकते हैं मैथड से भी कर सकते हैं कैसे मेथड से कर सकते हैं देखो वो वैल्यू निकालनी है जो चार से जाए पांच से जाए और छे से जाए चार से जाए पांच से जाए और छे से जाए तीनों का एल्सियम ले लो कितना आएगा दो दूनी पांच तीन ये कोप्राइम आ गया आपस में देखो ये कोप्राइम बता रही थी मैं इन तीनों में आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है वन के अलावा कोई भी इनके अंदर कॉमन फैक्टर नहीं है तो ये आपस में कोप्राइम है अब देखो दो दूनी चार पाँच बीस दिया साठ ओके okay. और शेषफुल कितना आना चाहिए तीन तो मैं छः का वो फैक्टर देखूंगी बोले ना पाँच सौ से छोटी वह संख्या तो छः की मैं मल्टीप्लाई करा के देखूंगी अब जैसे मैंने छ की दस से करा दी तो मेरे पास आएगा छः सौ प्लस तीन यानी कि छः सौ तीन लेकिन वैल्यू कितनी चाहिए मुझे पाँच सौ से कम चाहिए छः आठे करा दूँ अड़तालीस अगर मैं इसकी आठ से कराऊँ छः आठे अड़तालीस चार सौ अस्सी प्लस तीन जो रिमाइंडर चाहिए ना वो तो कितनी वैल्यू आएगी मेरे पास यहाँ से फोर एटी थ्री फोर एटी थ्री यानी कि ऑप्शन नंबर ए चाहे आप इससे कर सकते हो चाहे आप इससे कर सकते हो दोनों इजी थे इस क्वेश्चन में तो उससे भी इजी था इससे भी इजी था सेम ही टाइम लगा होगा आई थिंक ठीक है तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन से से करते हो बाकी यह मेथड इसलिए जरूरी होता है मान लो क्वेश्चन ने पूछ लिया उनके अंकों का योग क्या आएगा अंकों का अंतर कितना आएगा या फिर अंकों की मल्टीप्लीकेशन यानी कि प्रोडक्ट कितनी आएगी तो उस टाइप के क्वेश्चन फिर ऑप्शन से होना बहुत मुश्किल हो जाते हैं तो वहां फिर सॉल्व करने के लिए हमें भी आना और लो, देखते हैं लो, 61. क्या दे रखा है चार संख्याएं इतने इतने के अनुपात में है और उनका एच सी एफ छोटी संख्याओं के वर्गों का योग क्या है ठीक है देखो चार संख्याएं दे रखी है यानी कि आपस या में को प्राइम नंबर है बचे हुए ये आपस में को प्राइम नंबर जो हमारे बच गए वो हैं ठीक है थीके? इन नंबर्स में से क्या कर सकती हूँ मैं सब में से कॉमन ले लेके मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा यानी कि एफ लिख दिया इसका निकालना क्या है देखो सबसे सबसे बड़ी और छोटी संख्याओं के वर्गों का योग सबसे बड़ी क्या है सात एच कितना है कितना इसका ठीक है और सबसे छोटी क्या है दो एच सी एफ कितना इसका यानी कि इसकी कॉमन चीज क्या है थीके? सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के वर्गों का योग बयालीस का योग और यहाँ से आएगी बारह का, का स्क्वायर ठीक है बारह का स्क्वायर हमें पता है एक सौ चवालीस यहाँ पे जो स्क्वायर करूँगी वैल्यू आएगी उसमें यूनिट डिजिट पे मेरे पास क्या बचेगा चार ठीक है यहाँ पे इसका स्क्वायर निकालने के बाद मत निकालो क्या जरूरत है निकालने के बाद ये पता है मुझे यहाँ दो का स्क्वायर करके चार आएगी ठीक है अब देखो चार और चार 8. 8 है किसी ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी ही केवल ऐसा है जिसके अंदर यूनिट डिजिट पे आठ है और मुझे चाहिए भी आठ तो इसका मतलब चेक करने की जरूरत ही नहीं है आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा ठीक है बाकी फिर भी करना है तो आप कर सकते हो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटी टू इसमें हमें क्या दे रखा है पांच अंकों की उस छोटी से छोटी संख्या को ज्ञात ग्या, कीजिए जो अट्ठारह इक्कीस और चौबीस से पूरी तरह से विभाज्य ठीक है ठीके? अट्ठारह से देखनी है इक्कीस से देखनी है और चौबीस से और कौन सी संख्या है पांच अंकों की छोटी से छोटी संख्या तो सबसे पहले ना छोटी संख्या से ही चेक कर लो सबसे पहले जो छोटी संख्या है उससे ही चेक कर लो <coughs> ये और ये इन दोनों में से चेक करते देखो अट्ठारह से विभाजित है यानी कि वो वैल्यू 6 और तीन से रही है ये सात और तीन से रही है और चौबीस के लिए आठ तीन से चेक कर सकते ठीक है एक बार ये देख लेते हैं मेन मेन इन वैल्यू से देख लेते हैं फिर भी अगर किसी दो ऑप्शन में टक जाते हैं, फिर पूरा पूरा चौबीस से देखना पड़ेगा पूरा पूरा में अठारह से देखना पड़ेगा देखो ये वाली वैल्यू तीन से जाएगी ये दो ऑप्शन तो पहले ही नेग्लेक्ट हो चुके हैं ना बच गए ये दो ए और डी ये वाली वैल्यू तीन से बिल्कुल नहीं जाएगी यहाँ पे सात बन रहे हैं बचता क्या हमारे पास ऑप्शन नंबर ए वैसे भी आठ और एक नौ तीन से जाएगा बाकी सब से भी जाएगा अगर ये हमारे बाकी के ऑप्शन तो नेग्लेक्ट हो गए बचा क्या ऑप्शन नंबर सिर्फ ए अगर बचा हुआ ऑप्शन है और बाकी से भी चेक कर सकते हो सेम ही आएगा क्वेश्चन नंबर सिक्सटी इसमें क्या है हे घंटिया कर्मेश है ओके नोट कर लेना जब भी हमें घंटियों का क्वेश्चन मिले कि ये घंटी इतनी देर में बजती है ये घंटी इतनी देर में बजती है इस टाइप के या फिर हमें ट्रैफिक लाइट के क्वेश्चंस मिल जाए कि आ, लाल बत्ती इतनी देर इतनी देर इतनी देर के बाद ऐसे ऐसे उसमें, उसमें जलती हैं वो वाले क्वेश्चनस हों या फिर आ, रेस के आते हैं कि सर्कुलर ग्राउंड है सर्कुलर ग्राउंड है उसके अंदर इतनी देर में एक चक्कर लगाता है दूसरा इतनी देर में तीसरा इतनी देर में तो ये तीन टाइप के क्वेश्चंस हो गए जब भी ये तीन टाइप के क्वेश्चंस हो घंटी वाला ट्रैफिक लाइट वाला और एक अपना

आठ छ और तीन और दस कुछ बच तो नहीं गया ना बारह नौ आठ छ तीन दस ओके दो चौके तिया तीन दो पाँच उसके बाद आता है तीन दूनी छः, तीन तिया नौ चार उसके बाद आ दो एक चार पाँच यहाँ से आ जाएगा दो दूनी चार और पाँच ठीक है देखो आ, दो दुनी चार दुनी चारतीय बारह बारह पंजे साठ और तीन दुनी छः 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 छत्तीस तीन सौ साठ तीन सौ साठ मिनट के अंतराल पर बजेंगे तीन सौ साठ मिनट को आर में कन्वर्ट करा दूँ कितना आएगा मेरे पास यहाँ से छः छः छत्तीस यानी कि वो कब बजेंगी हर छः घंटे के अंतराल पर वो दोबारा से बजेंगी ओके 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 हर छह घंटे में वो इकट्ठी द्वारा से बजेंगी तो इसने पूछा बारह घंटे में कितनी बार बजेंगी एक छह घंटे में एक बार बजती हैं तो बारह घंटे में दो बार दो बार यानी कि ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फोर सिक्सटी फोर चौसठ के अंदर हमें क्या दे रखा है इसने बोल रखा है कि इक्कीस मीटर बयालीस मीटर की लंबाई वाली दो रस्सियों की समान लंबाई वाले टुकड़ों को काटा जाना है प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम संभव अधिकतम यानी कि एच सी एफ निकालना है किस किस का एच सी एफ निकालना है डिजिट उतार लो इक्कीस और बयालीस दोनों में क्या कॉमन है इक्कीस आ रहा है दोनों में इक्कीस का दुनिया तो होता है ना बयालीस तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या है यहाँ पे मेरे पास इक्कीस तो इस क्वेश्चन का एच सी एफ भी कितना हो जाएगा इक्कीस इक्कीस यानी कि ऑप्शन नंबर डी ठीक है समझ आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फोर का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी कहीं कोई दिक्कत हो कुछ हो तो बता देना देखो यदि ये 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 का एच सी एफ एक्स है तो एक्स का मान किस संख्या के बीच में है? ठीक है तीन डिजिट दे रखी हैं। अब ना तो मुझसे पूछ रखा है एच सी एफ क्या आएगा ना मुझसे ये पूछ रखा है कि एच सी एफ के अंकों का योग क्या है ना अंकों के अंतर पूछ रखा ना गुणनफल पूछ रखा ये पूछ रखा है एच सी एफ किस और किस वैल्यू के बीच में लाई करेगा किस और किस डिजिट के किस संख्या के बीच में आएगा देखो वही अपना सेम मेथड तो सेम ही रहेगा उनका डिफरेंस लो नियर बाय चेक करो इस टाइप की चीजें सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो सकती डिफरेंस ले मैं इनका फोर फाइव वन और दूसरा मैं ले, ले लेती हूँ तीन सौ अट्ठाईस कितना आता है मेरे पास एक सौ तेईस एक सौ तेईस में से क्या कॉमन आ रहा है तीन दो पाँच और एक छीन चला जाएगा इसको मैं लिख सकती हूँ तीन चौक बारह तीन एकम तीन और नहीं कटेगा ये और इसके अब और फैक्टर नहीं बनेंगे क्यों क्योंकि मेरे पास इकतालीस आ गया इकतालीस क्या होता है प्राइम नंबर इकतालीस तो नहीं जाएगा अब देखो या तो मेरा आंसर आ सकता था एक सौ तेईस ठीक है एक सौ तेईस आ सकता था लेकिन यहां पे तीन और इकतालीस सब में तीन कॉमन मिल रहा है मुझे देखो यहां पे तीन कॉमन मिलेगा चार पांच चार नौ और एक दस तीन कॉमन नहीं आ रहा यहाँ पे नौ छ दो बारह एक तेरह यहाँ पे भी नहीं आ रहा यानी कि तीन तो मतलब जो हमारा एच आ रहा है ना एच वो वैल्यू है वो बड़ी से बड़ी वैल्यू है जो तीनों डिजिट्स के अंदर या चार दे रखी है तो चारों की चारों डिजिट्स के अंदर कॉमन है ठीक है यानी कि ये इसका मतलब ये हुआ अगर मैं 130 ये 123 में अगर अपना एच बताती हूँ तो इसका मतलब ये हुआ कि तीनों वैल्यू के अंदर तीन भी कॉमन है और तीनों वैल्यू के अंदर इकतालीस भी कॉमन है ठीक है इकतालीस चूज करना थोड़ा एक बार के लिए मुश्किल हो जाता है तीन से देख सकती हूँ तीन ना तो दूसरे में कॉमन आ रहा ना तीसरे में कॉमन आ रहा तो इसका मतलब तीन नहीं है उसके अंदर बची हुई चीज़ क्या है इकतालीस सिर्फ इकतालीस ही कॉमन है यानी कि मेरा जो एस सी एफ आएगा वो इकतालीस आएगा ओके दूसरा इस क्वेश्चन में हम चेक कर सकते थे बाय ऑप्शन भी देखो एक है सौ तेईस तो नहीं आएगा इतनी बड़ी वैल्यू का तो आंसर ही नहीं दे रखा तो इसके टुकड़े बनाते चलो दो पे जाएगा नहीं उसके बाद इसको तीन से किया तो ऐसे भी करके चेक कर सकते हैं है, है। उसके ऊपर डिपेंड करता है अब देखो इकतालीस किस के बीच में आएगा चालीस से चवालीस के बीच चवालीस से सॉरी uh, चालीस से चवालीस के बीच तो 65 का मेरे पास राइट आंसर रहता है ऑप्शन नंबर बी देखते हैं क्या दे रखा है दो धनात्मक संख्याओं का LCM उनके LCF का एल्सियमसी गुना है जो चीज दे रखी है ना उस चीज को एज इट इज हमें मैथ्स के फॉर्म में उतारना है कैसे दो संख्याओं का एलसीएम जो एलसीएम है वो किसके बराबर दे रखा है एच का तेरह गुना तेरा गुना है किसका तेरह गुना दे रखा है एच का ओके नेक्स्ट बोल रखा है एच सी एफ और एल का योग इतना है लिख लो इस चीज को इसने बोला है एल प्लस एच सी एफ इनका योग कितना दे रखा है मुझे दो सौ बावन निकालना क्या है उनमें से एक संख्या चौवन है तो दूसरी संख्या निकालनी है चलो एल की वैल्यू कितनी है तेरह गुना एच सी एफ यहाँ एल की जगह तेरह एच सी एफ पुट कर सकती हूँ यहाँ पे मैं एल की जगह तेरह इंटू एच सी एफ यानी कि मैं इसको सीधा लिख दूँ थर्टीन एच सी एफ ये वैल्यू पुट कर सकते हैं तो तेरह एच सी एफ ये प्लस एक है यानी कि मेरे पास कितनी वैल्यू आ गई यहां से चौदह एच सी एफ यहाँ कितनी बचती है टू फिफ्टी टू कितने जाएगा 18 पे यानी कि मेरा एच सी एफ कितना आता है मेरे पास 18 ठीक है एच सी एफ आ गया 18 यहाँ से एल निकल सकता है तेरह गुना अठारह करके ठीक है निकालनी क्या है मुझे दूसरी वैल्यू निकालनी है ये एच सी एफ एंड एलसीएम का सबसे इंपॉर्टेंट बोल लो और बहुत ईजी फॉर्मूला होता है कल भी बताया था आई थिंक उससे पहले वाली वीडियो में भी बताया था एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ एलसीएम गुना एच सी एफ इज इक्वल टू फर्स्ट डिजिट इन टू सेकेंड डिजिट ठीक है वो वाला मैं यहाँ पे लगा दू देखो एल सी एम इंटू एच सी एफ एल सी एम क्या है तेरह गुना एच सी एफ यानी कि तेरह गुना अठारह इन टू एच सी कितना है अठारह पहले डिजिट चौवन गुना दूसरी डिजिट दूसरी डिजिट ही मुझे यहां से निकालनी है काट दूँ वैल्यू कितनी आती है सेकंड जो डिजिट है मेरी सेवेंटी एट ठीक है पेपर में हमें इतना लंबा चौड़ा नहीं करना जस्ट देखो एलसीएम सी तेरह गुना है उसके बाद वैल्यू पुट कर दो यहाँ से सीधा चौदह एक चौदह से काट के सीधी निकालनी ठीक है वो तो मैं आप लोगों को समझा रही हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे स्टेप वाइज करना समझते टाइम स्टेप वाइज करना अच्छी बात है और जब खुद निकालते हैं तो उसमें जल्दी जल्दी करना रहता है समझते टाइम जितना ज्यादा स्टेप वाइज से समझोगे उतनी अच्छी दिमाग में वो चीज फीड होती है ठीक है दूसरा चेक करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सेवन इसमें क्या दे रखा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे Uh, इतने में इस प्रकार जोड़ा जाए कि परिणामी संख्या तीन चार पांच छः से विभाजित किया जा सके और कोई शेष न रहे यानी कि कंप्लीटली डिविजिबल मुझे वैल्यू बनाने आई बात समझ क्या बोल रखा है इस डिजिट के अंदर मैं क्या जोड़ू कि इन इनसे कम्पलीटली डिविजिबल हो जाए देखो जो दे रखा है एक बार उतार लो इसको वन जीरो वन फोर और किस किस से निकालनी है मुझे ये तीन से चार से पांच से से देखो अगर मैं यहाँ पे चार के अंदर यहाँ फर्स्ट डिजिट मान लो मैं फर्स्ट ऑप्शन uh, बोल लूँ मैं ऑप्शन नंबर ए आएगा अगर मैं यहाँ पे चार पुट करूँगी तो चार और चार आठ हो जाएगा आठ पाँच से भाग नहीं जाए तो इसलिए ऑप्शन ए कैंसिल ठीक है मैं मान लो यहाँ छः पुट करूंगी यहाँ पे छः रखूँगी तो ये दस बन जाएगा पाँच से भाग चला जाएगा ऑप्शन बी को एक बार साइड में रख लें यहाँ पे मैं दस पुट करूंगी मान लो मैं यहां यहाँ पर दस ऑप्शन नंबर सी पुट कर रही हूँ तो यहाँ मेरे पास चार बचेगा चार मेरा पाँच से नहीं जाएगा तो इस वजह से ऑप्शन नंबर सी भी कैंसिल होता है अब आ जाओ ऑप्शन नंबर डी आठ अगर मैं यहाँ आठ रखूंगी तो मेरे पास यहाँ यूनिट डिजिट पे दो आएगा दो आएगा मेरा पांच से भाग नहीं जाएगा तो इसका मतलब मेरा ऑप्शन नंबर डी भी नहीं आ सकता तो जरूरत ही नहीं पड़ी तीन चार और छह से पांच ने ही पूरा का पूरा आंसर सॉल्व करके दे दिया हम ठीक है तो यानी कि यहाँ पे हम क्या रखेंगे ऑप्शन नंबर बी इसके अलावा हम इस क्वेश्चन को इससे एलसीएम मेथड से भी कर सकते थे कैसे देखो यहाँ यहीं बता देती हूँ एल लेना है लेने हमें किस किस का तीन चार पाँच छः इनका एल लो ठीक है एलसीएम लेने के बाद जो आंसर आए उसको इसमें से सब्टैक्ट करना पड़ेगा तब जाके तो इससे अच्छा हम डायरेक्ट इसको मेथड से ही कर ऑप्शन से ही कर सकते हैं जब इतना इजीली इतने कम टाइम में हो रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सिक्सटी एट क्वेश्चन नंबर सिक्सटी एट के अंदर हमें क्या दे रखा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतने में जोड़ने पर जो योगफल आएगा वो इन सबसे पूर्णतः विभाजित हो जाए ठीक है <coughs> छोटी से छोटी संख्या जिसे मैं इसमें जोड़ूंगी टू फोर नाइन फाइव इसमें जोड़ने पर योगफल छः, चार और तीन से पूरी तरह से विभाजित हो जाए छ देखो सबसे पहला ऑप्शन उठाओ पांच अगर मैं यहां पे पांच रखूंगी तो ये मेरा बन जाएगा कितना जीरो आएगी ठीक है जीरो आएगी तो यानी कि मेरा वो यहां पे अगर मैं पांच पुट करूं तो मेरे पास ये बन जाएगा डबल जीरो पच्चीस सौ ठीक है ये यह बनेगा यहाँ पे डबल जीरो है चार से तो चला जाएगा ठीक है दो से भी चला जाएगा अब आते हैं तीन पे तीन से बिल्कुल नहीं जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होता मैं यहां पे अगर मान लो पुट करती हूँ वैल्यू तीन यहां पे मैं तीन पुट करती हूं तो मेरा आंसर आएगा आठ नौ दो ठीक है क्या ये चार से चला जाएगा क्या ये वैल्यू मेरी चार से डिवाइड हो जाएगी टू नाइन टू फोर एट नाइन बिल्कुल नहीं होगी तो इस वजह से मेरा ऑप्शन नंबर बी भी, भी नहीं होता अब आओ ऑप्शन नंबर सी पे इसमें क्या दे रखा है जीरो अगर मैं यहां पे जीरो पुट करती हूँ तो मेरा क्या रहेगा सेम एज इट इज अब देखो ये मेरा ना तो दो से जाएगा चार में रहेगा ना लास्ट में पाँच है ओढ़ है ओढ़ है, है तो दो और चार से नहीं जाएगा तो इस वजह से मेरा ऑप्शन नंबर सी भी गलत बचता क्या है, है हमारा ऑप्शन नंबर डी लेकिन फिर भी एक बार ऑप्शन नंबर डी से चेक कर लेते हैं क्यों मन की शांति के लिए मन में शांति हो जाएगी कि चलो इससे आया ये ठीक है थीके? वो नहीं रहेगा कि क्या पता डी से भी ना आए तो क्या करेंगे तो वो दिक्कत नहीं रहेगी डी से भी कर लेते हैं एक बार अगर मैं मान लो यहाँ पे वन पुट कर दूँ तो कितना आएगा मेरे पास यहाँ पे टू फोर नाइन सिक्स चार से चला जाएगा बिल्कुल चला जाएगा दो से जाएगा जाएगा तीन से चेक कर लू नौ जा रहा है छह जा रहा है चार और दो छ भी जा रहा है ठीक है वैसे भी हमें पता था तीन ऑप्शन नेग्लेक्ट हो गए चौथा ही बचेगा और हमने चेक भी कर लिया है नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सिक्सटी नाइन इसमें क्या दे रखा है यदि एक पूर्णांक के <coughs> तीन पांच और दस से विभाज्य है तो इन सभी संख्याओं से विभाज्य अगला बड़ा पूर्णांक कौन सा होगा देखो Uh, कोई भी वैल्यू है कोई भी हमें डिजिट दे रखी है मान लो हमारा एल आ गया बारह ठीक है हमारा जो एल आया है वो आ गया बारह तो अगली वैल्यू कौन सी आएगी जो इन सब डिजिट से चाएगी? कुछ भी डिजिट ले लो जैसे तीन और चार ही हैं ठीक है थीके? इनका एल मेरा कितना आ गया बारह अब मैं पूछूंगी बारह मुझे नहीं लेना इससे अगले डिजिट लेनी है तो अगले डिजिट कौन सी आएगी चौबीस उससे अगली कौन सी आएगी छत्तीस ये सीरीज ऐसे चलती जाएगी ठीक है तो इसने सेम क्वेश्चन पूछ रखा है अगर के किसी का भी विभाज्य हमें नहीं पता कौन कौन सी क्या डिजिट दे रखे छोड़ो एलसीएम कितना है के है पूर्ण रूप से विभाज्य इसका मतलब उनका एलसीएम के आ रखा है ठीक है तो अगली कौन सी संख्या के से विभाज्य होगी इनसे अगली संख्या कौन सी होगी पहली बारह है तो दूसरी को क्या लिख सकती हूँ मैं चौबीस तो एज इट इज हमारी पहली के है तो दूसरी को क्या लिख सकती हूँ मैं टू के जैसे पहली बारह है तो दूसरी को मैं क्या लिख सकती हूँ टू इन बारह है ना तो पहली अगर के है तो दूसरी टू के आएगी कोई चौथी पूछ ले अगले किसी एग्जाम में चौथी वैल्यू पूछ ले तो वहां पे क्या हो जाएगी हमारी हमारी के फिर आएगी टू के फिर आएगी थ्री के और फिर आ जाएगी फोर के चलती जाएगी सिर्फ ठीक है इसमें हमसे पूछ रखी थी जस्ट के वाली तो इसका मैं बता दूंगी यहाँ से आएगी टू के नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंटी इसमें हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी के अंदर मान लीजिए एक्स सबसे बड़ी संख्या है जो इतने 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 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल प्राप्त होता है एक्स के अंकों का योगफल देखो बड़ी संख्या निकालनी है देखो एल सी इसका डिफरेंस ले लो मैं इनका ही ले लेती हूँ सेवन फोर वन सिक्स और यहाँ पे है सिक्स फाइव सिक्स फोर कितना आता है मेरे पास फाइव एट फाइव टू छः में से चार दो uh, ग्यारह में से छः पाँच तीन पाँच पाँच आठ ठीक है एट फिफ्टी टू अब देखो मान लो मैं कह रही हूँ कि मेरा एट फिफ्टी टू ही एल सी एम है मैंने बोला ना या तो हमारा जो डिफरेंस आया वही एल सी एम होगा या फिर उसका कोई ना कोई फैक्टर होगा तो पहला ऑप्शन मैंने बोला या तो जो डिफरेंस आया है वही तो उसको ही लेके चलते हैं डिफरेंस आया है आठ सौ बावन तो क्या मेरा आठ सौ बावन ही आंसर है चेक करते हैं यहाँ पे चार है दो कॉमन निकलाएगा यहाँ पे चार है दो कॉमन आ जाएगा क्या यहाँ से मेरे पास दो कॉमन आएगा बिल्कुल नहीं आएगा वहां पे क्या दे रखी है हमें और डिजिट ठीक है तो वहां से मेरा दो कॉमन नहीं आ सकता और जबकि हमें पता है एच सी एफ वो बड़ी से बड़ी वैल्यू होती है जो गिवन जितने भी डिजिट्स हैं जैसे इस केस में तीन डिजिट हैं गिवन तो तीनों डिजिट के अंदर ज्यादा से ज्यादा क्या वैल्यू मेरी कॉमन आ सकती है वो है तो देखो टू नहीं आ सकता यहाँ से इनफेक्ट यहाँ से चार ही निकाल दे सीधा फिर टू निकालते, फिर दोबारा से टू निकालना पड़ता डायरेक्ट चार निकाल दिया यानी कि ये चार तो होगा नहीं बचता है मेरे पास ये, ठीक है ये हो सकता है कि मेरा ये आंसर हो ठीक है ये किसी से जा रहा है ना ये दो से जा रहा ना ये तीन से जा रहा तो मे बी मेरा यही आंसर है ओके एक्स के अंकों का योगफल ज्ञात करें तीन दो पाँच और एक छः छः दे रखा है ऑप्शन नंबर डी पे यानी कि यहाँ पे हमारा एच क्या था इस क्वेश्चन इस क्वेश्चन के लिए दो ठीक है एच दे रखा था हमें दो और हमने योग निकाल दिया यानी कि उनका सम निकाल दिया कितना छः ये समझ आया एच कैसे निकालते हैं बहुत कन्फ्यूजन रहता है इसमें लोग बता देते हैं कि आ, डिफरेंस मेथड से निकाल लेंगे ठीक है डिफरेंस मेथड निकाल दिया हमारा कुछ आता भाई डिफरेंस में तो इतनी सारी वैल्यूज आएंगी उनमें से भी अब कौन सी वैल्यू लेनी है वो कैसे सेलेक्ट करें वो इसी मेथड से सेलेक्ट कर सकते हैं कि उसके फैक्टर बनाओ अगर वो वैल्यू सब में कॉमन आ रही है तो इसका मतलब ये आएगी अगर ये वैल्यू किसी एक में भी नहीं आ रही ना तो इसका मतलब ये वैल्यू नहीं आएगी उसकी बची हुई सारे पोर्शन आएंगे आई बात समझ नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेवेंटी वन माना x और y क्रमशः इतना इतना और इतने का एलसीएम है और एच सी एफ है ओके ओके एलसीएम दे रखा है मुझे x और एच सी एफ दे रखा है वाई ठीक है तो x बाई वाई का मान क्या है सबसे पहले मैं इसका एच सी एफ ही निकाल लूँ। y यानी कि एच सी एफ एच सी एफ कितना आएगा देखो अभी जो हमने किया था ना सेम मेथड इसमें यूज करेंगे इन दोनों का डिफरेंस ले लूँ क्या क्या दे रखे मुझे टू सेवन और वन सिक्सटी कितना बचता है मेरे पास एक सौ बत्तीस यहाँ पे मेरे पास दो है बत्तीस में दो है इवन है क्या सब में से इवन आ रही है यहां पे भी नहीं आएगा दो यहां से भी दो कॉमन नहीं आएगा यहां से भी दो कॉमन नहीं आएगा तो यानी कि मेरे पास बत्तीस तो हो नहीं सकता इसके फैक्टर बनाओ इसको मैं लिख सकती हूँ ये लिख सकती हूँ दो गुना छियासठ ठीक है अब देखो छियासठ फिर से मैम आपने बोला कि दो तो कॉमन नहीं आएगा छियासठ में से तो आएगा इसको ग्यारह से भी कर सकती हूँ मैं इसको लिख सकती हूँ ग्यारह थी अब देखो ग्यारह और तीन यानी कि मेरा एच जो है वो मेरा ग्यारह इंटू तीन यानी कि ग्यारह भी कॉमन उसमें आ सकता है और तीन भी कॉमन आ सकता है देखो इनमें तीन कॉमन है सब में पाँच और एक छः जाएगा सात और दो नौ और नौ जाएगा पाँच चार नौ और नौ यानी कि सब में से तीन तो कॉमन है तो तीन तो मैंने बिल्कुल सही लिया है तीन तो हर हाल में सिर्फ आएगा ही आएगा क्या पता ग्यारह भी आता हो ग्यारह और चेक कर लो देखो पाँच और एक छः में से छः गई जीरो सात और दो में नौ में से नौ गई जीरो पाँच और चार नौ में से नौ गई जीरो यानी कि ग्यारह का भी रूल ग्यारह की जो कंडीशन है वो भी सेटिस्फाइड होती है तो इसमें मेरा एच कितना आता है ग्यारह इंटू तीन ग्यारह इंटू ठीक है ये आ गया मेरा यहाँ से एच सी एफ आया समझ कैसे ले रही हूं HCF? देखो LCM किस -किस का निकालना है मुझे एक सौ पैंसठ का टू मुझे सेवन का और अपना फोर नाइन्टी फाइव से ही करा 11 ग्यारह से ये जाएगा बिल्कुल जाएगा सात दोनों में से नौ गया ग्यारह दोनों बाईस सात और ग्यारह में तीन में सत्ताईस तीन दिया ठीक है तीन तिया नो नो दिया सत्ताईस सत्ताईस और यहाँ से कितना बचता है पचपन ओके इसकी इससे ही करा देते पहले वन थर्टी फाइव की ग्यारह से वन थर्टी फाइव इंटू ग्यारह आएगा पांच पाँच तीन आठ चार एक वन फोर एट फाइव एलसीएम क्या आया वन फोर एट फाइव ये पता है इलेवन से कैसे कराते हैं जब भी किसी नंबर की हमें इलेवन से करानी हो तो पहले तो इसको एज इट इज लिखो अब इन दोनों को जोड़ के लिख दो अब इन दोनों को जोड़ के लिख दो लास्ट में इसको एज इज ठीक है तो हमारे पास एलसीएम कितना आ गया यहां पे कर दूँ एलसी आया है मेरे पास यानी कि एक्स की वैल्यू है चौदह सौ पिचासी निकालना क्या मुझे x वाई चौदह सौ पिचासी बटे ग्यारह गुना तीन तीन से जाएगा तीन चौक बारह तीन में सत्ताईस तीन पाँच पंद्रह ग्यारह से भी जा रहे हैं ग्यारह चौक चवालीस ग्यारह पाँजे पचपन आंसर क्या आता है मेरे यहाँ से फोर्टी फाइव ऑप्शन नंबर सी में दे रखे हैं तो ना फोर्टी फाइव तो क्वेश्चन नंबर सेवेंटी वन का राइट आंसर क्या रहेगा फोर्टी फाइव ठीक है एक एक चीज करके दिखा रही हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो इसलिए थोड़ा लंबा लग रहा है अदरवाइज बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं होता सीधा दिख रहा है ग्यारह इंटू आ रहा है ठीक है एलसी से हम निकाल सकते हैं इजिली काटना ही तो यार एक्स बाई वाई पुट करके काटना ही तो है नेक्स्ट देखो उस अधिकतम संभव लंबाई का मान ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा चार सौ चार मीटर नब्बे यानी कि चार सौ नब्बे तीन सौ पिचासी और बारह पैंतालीस मीटर की लंबाई को पूर्णतः मापा जा सकता क्या बोल रखा है मुझे यहां पे अधिकतम अधिकतम यानी कि मैक्सिमम यानी कि मुझे क्या निकालना है हाइएस्ट कॉमन फैक्टर है इसके इसके अंदर किस किस का देखो वैल्यू है मेरे पास चार सौ नब्बे मीटर में डाल दो सबको ये दे रखिये मेरे को तीन सौ पिचासी मीटर और यहां से कितनी है बारह पचानवे मीटर बारह पचानवे मीटर ठीक है इन दोनों का ले लो मैं डिफरेंस किस किस का ले रही हूँ चार सौ नब्बे और तीन सौ पिचासी का एक सौ पाँच ठीक है एक सौ पाँच यानी कि मैम आप कह रहे हो हमारा जो एच आएगा वो एक सौ पाँच आएगा चेक करें एक सौ आ सकता है या नहीं आ सकता देखो एक सौ पाँच के फैक्टर बनाऊँ अगर मैं पाँच दोनी दस और पाँच एकम पाँच इसके लिए मुझे पड़ेगा इक्कीस सात और तीन यानी कि मैं पांच गुना सात गुना तीन ये वाले हैं अब इसमें से चेक करो पांच सब में कॉमन है सात सब में कॉमन है तीन सब में कॉमन है अगर तीनों के तीनों तीनों के तीनों सब में कॉमन आ रहे हैं तो मेरा आंसर यही हो जाएगा 105 जो चीज कॉमन नहीं है उसको काट दो जैसे तीन को काट दिया सात को काट दिया बची हुई चीज को लिख दो देखो सबसे पहले पांच से चेक करते हैं 490 में भी पांच है वहां पे भी वहां पे भी 5 तो आएगा ही आएगा अब आते हैं तीन पे तीन ही आएगा बिल्कुल नहीं आएगा तीन आएगा नहीं आ रहा आए चाहे ना आए तीसरा चेक ही क्यों करना जब दो में नहीं आ रहा इनफैक्ट एक में भी अगर नहीं आ रहा तो छोड़ दो उस वैल्यू को आगे चेक करो तीन से नहीं है सात से जाएगा सातों सात उनचास सात पाँच पैंतीस सात पाँच पैंतीस सात एकम जाएगा सारी वैल्यू किससे जा रही है हमारी सात से यानी कि हमारा सात इंटू पाँच सात पाँच पैंतीस पैंतीस दे रखा है हमें ऑप्शन नंबर ए के अंदर ठीक है डिफरेंस मेथड से एलसीएम निकालना हर कोई सिखाता है ठीक है हर कोई निकालता है अभी ये लेकिन ये वाली जो छोट यहाँ तक तो कर लेते हैं कि इनका डिफरेंस निकाल दिया कन्फ्यूजन कहाँ से स्टार्ट होती है जब ये बोल देते हैं कि या तो उनका डिफरेंस आंसर आएगा या डिफरेंस का फैक्टर आएगा अब इतने सारे उसके फैक्टर बनेंगे हमें क्या पता कि कौन से वाला फैक्टर ऑप्शन है क्या पता ऑप्शन में जितने फैक्टर बन मान तो बिल्कुल करते कि उसको सबसे करा के देखना है कि जा रहे हैं या नहीं जा रहे ओके देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेवेंटी थ्री दो संख्याएं इतने के अनुपात में बहुत ईजी क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है कैसे है मैंने बता रखे है एल्सियम क्या बोलते हैं हम लोग ए इंटू बी इंटू एक्स है ना ए ले लिया बी ले लिया और एक्स जो कॉमन था उसको एक बार ले लिया देखो दो संख्याएं हैं पाँच गुना नौ गुना एच सी एफ कितना है चौदह एल्सीय निकालना है ये एल्सीयम का ही फॉर्मूला लगा रहे हैं हम लोग ठीक है नौ पाँच पैंतालीस पांचों के बीस सारे में बीस दे रखा है यानी कि ऑप्शन बी हो सकता है डी हो सकता है ओके 630 ऑप्शन नंबर बी रहेगा ठीक है कुछ भी नहीं था बहुत इजी क्वेश्चन दे रखा था ऑप्शन बी राइट है C मत कर देना ध्यान रखना नेक्स्ट देखो चुहत्तर के अंदर हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर चुहत्तर में दो संख्याओं का एलसीएम और एच सी एफ और एच सी उल्टा दे रखा है एक्चुअली एच सी एफ ये है और हमें एलसीएम ये दे रखा है ठीक है ये थोड़ा आगे पीछे कर रखे यदि एक संख्या पचास है तो उ, तो दो संख्याओं का योग कितना होगा एक संख्या पचास दे रखी है तो दो संख्याओं का योग क्या होगा दोनों संख्याओं को जोड़ के निकाल दूसरी संख्या इजीली निकाल सकती हूँ क्या रहते हैं एलसीएम सी एम इंटू एच सी एफ पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या ठीक है पहली संख्या कितनी दे रखी है मुझे पचास देखो पच्चीस दूनी पचास दो से कितने पर कट गई पिचहत्तर यानी कि एक संख्या मेरे पास कितनी है पचास दूसरी संख्या मैंने जस्ट अभी कितनी निकाल ली पिचहत्तर आंसर कितना आएगा सात पांच बारह एक सौ पच्चीस एक सौ पच्चीस किसमें दे रखा है हमें ऑप्शन नंबर डी के अंदर ठीक है इजी था क्वेश्चन कुछ नहीं था ये देखते हैं लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर सेवेंटी दो संख्याओं का एलसीएम उनके एच का फोर्टी गुना है दो संख्याओं का जो एलसीयम है वो एच का फोर्टी फाइव है मैं इस चीज़ को एज इट इज लिख लेती हूँ एलसीयम कितना है चलो लिखते नहीं है इसको शॉर्ट में ही करते हैं दो संख्याओं का एलसीयम उनके एच का फोर्टी फाइव गुना है एलसीयम और एच का योग इतना दे रखा है मुझे एलसीयम प्लस एच इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है वन फाइव वन एट ठीक है मेरे को पता है एलसीय क्या है फोर्टी फाइव गुना है एच का एलसीयम जो है वो फोर्टी फाइव गुना दे रखा है एच का एलसीएम की जगह मैं पैंतालीस एच लिख सकती हूँ और एक ही एच यानी कि छियालीस एच हो गए मेरे पास ठीक है यहां से एच की वैल्यू निकाल दू <coughs> ये कितने पे जाएगा अः एच सी एफ निकाल देना यहाँ पे ओके ओके तो भागफल अठारह और शेष जो है वो 9 है तो दूसरी संख्या ज्ञात की तेईस से काट लें इसको 230 नहीं तीस नी दो सौ इक्कीस पे देखूं कितने पे जाएगा नौ है ना तीन से तेरह से देख लें टू नाइन सेवन ओके 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 इस पे जाएगा ये दो संख्याओं का एलसीएम उनके एच का फोर्टी फाइव है एलसीएम जो दे रखा है वो इसका एच का फोर्टी फाइव है पुट कर दिया ठीक है एलसीएम और एच का योग दे रखा है एलसीएम और एच का योग पुट कर दिया यदि संख्याओं में से एक को सो... ओके okay, ओके okay. ये बाद में है एक को सोलह से विभाजित किया जाता है तो भागफल इतना और शेषफल इतना आता है दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए ठीक है तो दूसरी संख्या का बाद में निकालेंगे हम लोग पहले इसका ही यहाँ से एल और इसकी वैल्यू निकाल के और एच ही निकालते हैं उसके बाद देखेंगे कि इसमें क्या वैल्यू आएगी यहाँ से चेक करते हैं हम लोग कितने पर जाएगा एच कितना आएगा यहाँ से तीन से तीन तीन चाहिए ना यहाँ पे तो तीन ही आएगा यूनिट डिजिट पे तीन तैतीस से चला जाएगा जा रहा है तो यहाँ से कितने पे चला जाएगा हमारे पास ये वैल्यू थर्टी थ्री पे एच सी एफ कितना आता है थर्टी थ्री एच सी एफ आ गया तैतीस उसके बाद क्या करनी है वैल्यू ही पुट करनी है देखो एल सी एफ इसकी एच सी एफ की वैल्यू पुट करके यहाँ पे हमारे पास एच सी एफ आ जाएगा इसके बाद संख्या कैसे निकालनी है जब एक संख्या को सोलह से विभाजित किया जाता है मान ली मैंने संख्या है कुछ उसको मैं सोलह से विभाजित कर रही हूँ तो भागफल अठारह और शेष जो है वो नो आ ठीक है भागफल अठारह शेष नौ आता है तो दूसरी संख्या क्या है तो यानी कि मैं संख्या को क्या लिख सकती हूं सोलह गुना अठारह प्लस नौ यानी कि मेरे पास एक संख्या जो है वो क्या है सोलह गुना अठारह प्लस नौ और दूसरी निकालनी है यहां से निकाल लो वैल्यू कितनी आएगी टू एटी एट और नौ वैल्यू कितनी आ रही है यहां से मेरे पास टू नाइन्टी 7 ठीक है वैल्यू कितनी आ गई 297 मेरे पास फर्स्ट वैल्यू है एचसीएफ कितना आता है 33 और एलसीएम कितना है एलसीएम तो हम यहाँ से निकाल ही लेंगे अब देखो दूसरी संख्या निकालनी है दूसरी संख्या को मैं यहाँ से कैसे निकाल सकती हूँ? फर्स्ट डिजिट 297 इनटू सेकंड डिजिट क्वल वैल्यू है? है निकाल लगे ग्यारह से. <coughs> से जाएगा ग्यारह दूनी पे ग्यारह तीर तैतीस तीन से नौ से नौ पांजे पैंतालीस सेकेंड वैल्यू कितनी आ गई मेरी पांती है पंद्रह और एक सोलह एक सौ पैंसठ एक सौ पैंसठ ऑप्शन नंबर डी पे है ठीक है तो क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फाइव का राइट right आंसर होता है इसका अपना डी इतने ही क्वेश्चन है इस वाली स्लाइड में बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे ओके थैंक यू